हेलो दोस्तों, आपका फिर EMP स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है 2021-22 का। उससे संबंधित यहां पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और साथ में चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जैसे कि दिखाई दे रहा है कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पेपर है, इससे संबंधित यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखाया जा रहा है। पहला आपका सही प्रश्न मतलब सही विकल्प में प्रश्न रहेगा, कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है। तो ये आपके लिए बताना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में आपके रिपीट होते रहते हैं या ठीक है, और जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हुए, तो उनके लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस पेपर में, इस पेपर के थ्रू, एक मॉडल पेपर के माध्यम से आपके लिए इन प्रश्नों को अवेलेबल कराया जा रहा है, मतलब कि उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इनके लिए क्या करना है, आपको ध्यान से याद करके इनके उत्तरों को जाना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आ सकते हैं, और अपनी तैयारी जो चल रही है परीक्षा की उसे बनाए रखना है, क्योंकि प्रश्न आते हैं लेकिन बदल के भी आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर ये आपके सही विकल्प थे। फिर ये रहे आपके चौथे सही विकल्प से, देखिए यहाँ पर डी नंबर में लिखा है सहेली है, तो क्या है ये बताना है, ठीक है। फिर पाँचवीं में फिर है, यहाँ पर लिखा हुआ है लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है, और जी में है तम वायुमंडली N2 का स्थानीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। तो चारों ऑब्जेक्ट इनमें से जो सही आंसर वो बता देना है। अगर आपके लिए इन सभी के उत्तर चाहिए तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, उसे ज्वाइन कर लेना है, और साथ में इस वीडियो पर कमेंट करना है कि आपके लिए क्या करना है, सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर आपका कमेंट आता है मेरे पास, ज़्यादा कमेंट होते हैं, तो मैं जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो है आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखनी है। तो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला ही दिया है परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब खालिस्तान नाम से जाना जाता है। दूसरा, आकारिकीय व अनुवांशिक रूप से समान जीव खालिस्तान कहलाते हैं। तीसरा है, आठवें आलिंगिक सूत्र की ट्राइसोमिकता से मनुष्य में खालिस्तान हो जाता है। और जो आपका डी नंबर में माइक्रोस्पोर्म व ट्राइपोफाइटॉन जैसे कवक मनुष्य में खालिस्तान रोग उत्पन्न कर देती है। ई नंबर में जैव नियंत्रण में प्रयुक्त अधिकांश बैक्यूलोवायरस वंश खालिस्तान से संबंधित है। तो यहाँ पर इस प्रकार से खालिस्तान थे, इनके लिए मैंने पढ़ के बताया। इसी प्रकार से ये सही जोड़ियाँ हैं, इनके लिए भी आपको मैच कर लेनी है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सी हैं, या तो आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और फिर इसके बाद आगे के प्रश्नों को देख सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है, सत्य सत्य बताइए। तो यहाँ पर पहला है, बाहदल दलपत्र पुंकेसर पुष्प और पादपों के द्विगुणित भाग हैं। तो सत्य सत्य बताने हैं, जो भी सत्य है उसके लिए सत्य कर देना है, जो सत्य है वो असत्य कर देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके साथ जो हैं सत्य सत्य दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नंबर 22 से, ठीक है, साथ आपके सत्य सत्य दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसमें दिया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए पुनः सात प्रश्न जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने के लिए बोला गया है। किन दो द्विलंगी जंतुओं के नाम लिखिए। फिर है, मनुष्य में 8 से 16 कूरण खंडों वाला कोट केंद्र जैसा होता है, क्या भ्रूण क्या कहलाता है, ठीक है। फिर एक अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ ने रूपांतरण प्रयोग हेतु किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया, ठीक है। फिर किसी ऐसे संक्रमणकारी का नाम लिखिए जिसमें ना तो DNA पाया जाता है और ना ही RNA, तो ये बताना है आपको, ठीक है। फिर अगला है आपका, मैग्नीगनेंट मलेरिया का क्या कारण है, मेलिग्नेंट मलेरिया का कारण बताना है, और DNA अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं ये बताना है। और फिर पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी को क्या विशेषता थी ये बताएंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक साथ एक वाक्य में जो उत्तर होंगे वो इस प्रकार के प्रश्नों के होंगे। यहाँ पर प्रश्न 5 में बताया गया है। फिर आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि आपके 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है परीक्षा में आ सकते हैं। और इसी प्रकार के जो यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए कि कोई ऐसे टॉपिक है मतलब प्रजनन से संबंधित, तो यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन नोट किया जाए, शुक्रजनन और की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम बताइए। इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए 3 महत्वपूर्ण राजकीय कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो जनसंख्या नाम से आपका जो मैन हेडिंग या टाइटल होगा उससे संबंधित जितने प्रश्न बनते होंगे उनके लिए आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो प्रश्न हैं रिपीट होते हैं और उनकी जगह पर दूसरे प्रश्न भी वैसे के वैसे बन के आते हैं। तो उनके लिए तैयार रहना है आपको, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। फिर पुष्पी पादपों के लिए बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व है ये बताना है। फिर किरचाप का नियम क्या है,
किरचॉफ के नियम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो उसके लिए ज़रूर से तैयार रखना, और किरचॉफ से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको तैयार करके जाना, क्योंकि यही प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं ये VIP इम्पोर्टेंट में आते हैं, तो इनके लिए ज़रूर याद करके जाना। फिर अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि नर फल मक्सी मक्खी व मादा मुर्गी विषम युग्मी है तथा सम युग्मी है, तो इसका आपके लिए कारण बताना था। फिर छठवां प्रश्न, जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, मतलब BOD बॉड मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे बोलते हैं, उसका बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो उसका उत्तर बताना। फिर जीन क्लोनिंग क्या का क्या अर्थ है, इसका महत्व लिखिए, जो जीन क्लोनिंग होता है उसका अर्थ बताना है, ठीक क्या मतलब है। फिर परजीवी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर जो GB जो होता है ना, तो उसके बेस्ड पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए बताना है। परजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के जो जीवाणु से संबंधित प्रश्न हैं उनके लिए भी तैयार करना है। फिर एक पुष्प में निषेचन पश्चिम परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर पुष्प से संबंधित जो निषेचन होता है उसके बारे में बताना है आपको। प्रश्न राशि प्रसव, ठीक है, क्या है प्रसव, क्या है प्रसव से प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बताना है आपको। फिर अगला प्रश्न 11वां है, उसके लिए आप यहाँ पर देख लेंगे क्या लिखा है, पार्श्वत्व मतलब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं है, परिभाषा पूछी गई है जिसकी भी पूछी गई हो, ठीक है, संकरण मतलब पार्श्वरत संकरण की परिभाषा लिखिए और चित्र बनाइए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चित्र जो बनाने होते हैं नामांकित व बिल्कुल स्वच्छ चित्र बनाने होते हैं, इससे आपके लिए पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं तो और अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से आपके लिए जो आपकी पेपर आ रहे हैं उसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो जीव विज्ञान का पेपर था कक्षा 12वीं का वो प्रोवाइड किया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।